15 जुलाई की शाम हुई वार्ड एक खम्हरिया की घटना भयंकर रूप धारण करती नजर आ रही है। उस दिन वार्ड एक के पार्षद और जोन एक के उप अभियंता के बीच हुई हाथापाई को निगम के 3 कर्मचारी संगठन ने अपना समर्थन देते हुए निगम मुख्यालय के सभागार में बैठक आयोजित कर पार्षद के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और अब कलेक्टर सहित पुलिस अधीक्षक और संभाग आयुक्त को ज्ञापन सौंपकर पार्षद के निलंबन की मांग करने का मन बना चुका है। 15 जुलाई की शाम वार्ड खम्हरिया में निगम के वाहन द्वारा एक पुलिया क्षतिग्रस्त हो गई थी, जिसके लिए वार्ड पार्षद और उसके साथियों ने देर शाम तक जमकर हंगामा किया। इसी बीच नगर पालिक निगम भिलाई जोन एक के उप अभियंता के साथ मारपीट एवं उनके परिवार के साथ अभद्र व्यवहार करने की घटना सामने आई, जिसके बाद निगम के कर्मचारियों में काफी आक्रोश देखा जा रहा है। इसी परिप्रेक्ष्य में निगम भिलाई अंतर्गत 3 कर्मचारी संगठनों द्वारा निगम मुख्यालय सभागार में एक बैठक आहूत की गई, जिसमें यह फैसला लिया गया कि इस घटना की पुनरावृत्ति होने से निगम के कर्मचारियों में एक भय का वातावरण बन सकता है, जिसे देखते हुए इस पर कार्रवाई की जानी चाहिए। इसे लेकर स्वायत्त शासी कर्मचारी संघ, कर्मचारी कांग्रेस एवं सेवानिवृत्त कर्मचारी संघ के संयुक्त तत्वाधान में उप अभियंता आलोक पसीने के साथ हुई घटना की निंदा करते हुए उनके समर्थन में सामने आकर पहले पुलिस विभाग में FIR दर्ज कराई गई। उसके बाद निगम आयुक्त सहित निगम महापौर नीरज पाल को भी ज्ञापन सौंपकर उचित कार्रवाई की मांग की गई और इसके बाद ये सभी कलेक्ट्रेट रवाना हुए। नेहरू नगर जोन 1 नगर पालिक निगम भिलाई के कार्यालय में पदस्थ प्रभारी सहायक अभियंता आलोक पसीने जी 15 तारीख की रात को 9 बजे उनको एक शिकायत मिली कि यहाँ खम्हरिया रोड जुनवानी में एक पुलिया टूट गई है। क्योंकि वो आपदा प्रबंधन जैसे महत्वपूर्ण कार्य में संलग्न है, शिकायत को प्राप्त करते ही वो सीधा वहाँ मौका स्थल निरीक्षण करने पहुँचे तो उस क्षेत्र के वार्ड पार्षद योगेश साहू जी और उसके कुछ साथी लोग उनके साथ मिल के गाली गलौज किए, उसके बाद धक्का मुक्की के साथ मारपीट पर उतारू हो गए, जिसका आज कर्मचारी संघ ने अभियंताओं के साथ एक मीटिंग करके पुरजोर विरोध करने का निर्णय लिया है। और इस संदर्भ में सभी कर्मचारी संघ एक साथ मिलकर अधिकारीगण माननीय आयुक्त महोदय से अनुनय पत्र देंगे कि उस ऐसे कुकृत्य करने वाले पार्षद को उनके पद से हटाया जाए और क्योंकि प्राथमिकी दर्ज की जा चुकी है और उससे गिरफ्तारी की मांग करेगी। 15 तारीख को रात में हमारे जोन 1 के जो प्रभारी सहायक अभियंता हैं आलोक पसीने जी, वो कोई एक पार्षद वहाँ है, उनकी सूचना पर वो वहाँ पहुँचे जहाँ पुलिया टूट गई थी। तो वो अपने सुपरवाइजर के साथ पहुँचे रात में 9 बजे। तो वहाँ पे जब वो देख रहे थे तो उनके साथ में एक दुर्भाग्यजनक घटना घटित हुई। वहाँ के जो पार्षद हैं वो साहू करके हैं और उनके साथ में उनके साथीगण आ करके उन लोगों ने शासी कार्य में व्यवधान डाला, उनके साथ में गाली गलौज किया गया, जान से मारने की धमकी दी गई जैसे कि FIR में आया है और वो घबरा करके वो फिर वहाँ से भागी। और आज जब 16 तारीख को बड़ी मुश्किल से जब FIR दर्ज हुई, बहुत सारा अप्रोच लगाना पड़ा तब FIR दर्ज हुई, तो आज पूरे अधिकारी कर्मचारी मीटिंग हॉल में बैठे हैं और कमिश्नर साहब को, हमारे आयुक्त महोदय को और जो संभागायुक्त महोदय को, कलेक्टर साहब को और SP साहब को हम लोग ज्ञापन देने की तैयारी कर रहे हैं। और यह बहुत ही बड़ी दुर्भाग्यजनक घटना है, इसमें आपदा प्रबंध जैसे काम और भी कई प्रकार के नगर निगम के अधिकारी कर्मचारी 24 घंटे काम में समय रहते हैं। ऐसे में कर्मचारी और अधिकारियों में एक दहशत का माहौल है कि इतने कभी भी रात में आदमी अपने बिना सुरक्षा के चले जाता है देखने के लिए, और इस प्रकार से यदि हमला होगी तो इसकी पूरी कर्मचारी संघ जो है गंभीर निंदा करता है। और हम चाहते हैं कि पार्षदी उसकी जो नियमानुसार कार्रवाई हो, संभागायुक्त उसको बर्खास्त करें और आने वाले समय में चुनाव से लड़ने के लिए उसको बाहर करें। पूर्व में भी ऐसी एक बार घटना हुई थी तो जिसमें पार्षदों को पार्षद पद से हटाया भी गया था और चुनाव लड़ने से उनको अलग भी पृथक भी किया गया था। तो हमारी ये साधारण प्रशासन से मांग है और अभी हम लोग ज्ञापन देने कमिश्नर के साहब के पास जाएंगे, संभावित कलेक्टर महोदय के पास जाएंगे, सब एकजुट हैं, सारे कर्मचारी अधिकारी, कहीं कोई काम नहीं हो रहा, सब मीटिंग हॉल में बैठ के पत्र बना रहे हैं। वो दूरभाष पर पता चली कि 15 तारीख को आलोक पसीने जो सहायक अभियंता हैं जोन 1 में, उनको फ़ोन आया जुनवानी खम्हरिया से कि यहाँ कोई पुलिया वगैरह टूट गई है, तो उसको निरीक्षण करने के लिए जब वहाँ वो गए तो वहाँ के पार्षद के द्वारा और उसके साथियों के द्वारा नशे की हालत में गाली गलौज और मारपीट की गई,
जो वहाँ से वो गाड़ी वगैरह छोड़ के अपने भागे वहाँ से, उसने उन्होंने फिर अपने ई महोदय को संजय शर्मा साहब को फ़ोन किया, कमिश्नर साहब को फ़ोन किया, जिसके विरोध में आज पूरे अभियंता संघ, जिसमें अधीक्षण अभियंता से लेकर सहायक अभियंता तक, उपयंत्र तक सब, और तीनों यूनियन के हम लोग पदाधिकारी एकत्रित हुए, जिसमें हम लोगों ने एक पत्र बनाया गया है, अवगत कराया जाएगा महापौर जी को कि उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। और जैसा कि में धारा 19 में लिखा है कि कोई भी जनप्रतिनिधि किसी भी अधिकारी कर्मचारी से सीधी वार्ता नहीं करेगा, उसका पालन करवाया जाए, उसकी भी मांग करेंगे ताकि भविष्य में इससे घटना न घटे। बर्खास्तगी की भी मांग है क्या? हाँ, बर्खास्तगी की मांग है। जैसा नगर निगम एक्ट में है कि कोई भी जनप्रतिनिधि किसी अधिकारी कर्मचारी की हिसाब में दुर्व्यवहार करता है, मारपीट करता है, कार्य बाधा डालता है, तो उसके लिए बर्खास्त के लिए संभागायुक्त को और नगर निकाय मंत्री को पत्राचार किया जाएगा। और हमारी मांग यही है कि जल्द से जल्द कार्रवाई हो, उसमें हम लोग को अभी बैठक में निर्धारित करेंगे कि इतने घंटे के अंदर उसको गिरफ्तार किया जाए और तत्काल उसकी बर्खास्तगी की जाए, नहीं तो आगे अगर नहीं किया जाता है तो आगे हम लोग अपनी रणनीति बना के अगर निगम को पूरा बंद करना पड़ेगा, सभी जोन को बंद करना पड़ेगा, तो उसके लिए भी विचार विमर्श किया जाए। तीनों कर्मचारी संगठनों सहित पीड़ित उप अभियंता आलोक पसीने भी निगम महापौर नीरज पार से मिलने गए, जहां उन्होंने ज्ञापन सौंपकर उचित कार्रवाई की मांग की, जिस पर महापौर नीरज पाल ने अपनी प्रतिक्रिया कुछ इस प्रकार दी है। साथ ही उप अभियंता आलोक पसीने ने भी अपने साथ हुए कृत्य को मीडिया के समक्ष साझा किया है। घटना ऐसी थी कि रात में करीब 8 बजे करीब मेरे पास महिला बाल विकास अधिकारी पूजा पिल्ले मैडम को फोन आया कि हमारी गाड़ी को यहाँ पे वार्ड 1 की पार्षद ने रोक लिया है। वहाँ पे उस गाड़ी को बैक करते हुए ये पुलिया टूट गई थी, 50,000 रुपये मेरे से मांग रहा है। तो हमने रिक्वेस्ट की सर बात कर लीजिए, आप उनसे बात कर लीजिए। मैं योगेश साहू को फ़ोन लगाया कि क्या बात है, पुलिया वगैरह का क्या है। तो बोले कि आप आ जाइए और देख लीजिए ये पुलिया कैसे टूटी, क्या टूटी है। मैं बोला सुपरवाइजर को भिजवा देता हूँ, सुपरवाइजर जाके देखा भी नहीं, वो मैं ठीक है, मैं वहाँ पे गया उनके कहने पे, मैं वहाँ पे गया हूँ और मैं पुलिया का निरीक्षण कर ही रहा था कि उनके आदमी वो पीछे थे और उनके आदमी करीब 15-20 आदमी आके मेरे ऊपर धक्का मुक्की करने लगे और मेरे को गाली गलौज और उल्टा सीधा बहुत बोलने लगे, धक्का मुक्की, गाली गलौज, कॉलर पकड़ना, ये पकड़ना। तो मैं सोचा कि मैं गाड़ी में चले जाता हूँ और निकल जाऊँगा। गाड़ी के पास पहुँचा ही मैं कि घर से मेरे फ़ोन आया, घर से फ़ोन आया तो मैं उठाया ही था, बात नहीं हो पाई। तो मैं गाड़ी ने इतना धक्का मुक्की किए, मेरे को गाड़ी से खींच लिया, गाड़ी से खींचे तो मैं किसी भी तरीके से अपनी जान बचा के दौड़ के वहाँ पे SBI कॉलेज कॉलोनी है पास में, वहाँ पे जाके छुप गया। उसके बाद मेरे अपने अधिकारी पी साहब और जोन कमिश्नर को मैं बताया ऐसी ऐसी बात है, जब ये घर में ये पता चला, अब ये क्या है, मोबाइल में मेरी बात नहीं हो पाई थी, तो घर वालों को एकदम वो लगा कि क्या हो गया क्या नहीं हो गया करके, एकदम भारी आवाज़ आ रही थी, उनकी हड़बड़ा के यहाँ पे आ गए। मैं बता के आया था मैं यहाँ जा रहा हूँ, मेरा घर और जो ज़्यादा दूर पे था, मेरे घर में इधर उन लोग हड़बड़ा के आए, मेरा बेटा उससे पार्षद से पूछे कहाँ है पापा, कहाँ है, वो देख नहीं रहे हैं क्या हो गया क्या नहीं हुआ करके, और मेरी बेटी और वाइफ भी वहाँ पे गए कि क्या हो गया करके। तो उनके साथ इतना मिस किया, गाली बकना, ये बकना, उसके आदमी और ये और वो भारी, उसके वो भी फिर वो बचा के जान बचा के वो भी भागे। फिर मैं उनको आगे की तरफ बुला के किया कि हम लोग आगे हैं, फिर आगे बुला के हम लोग घूम के फिर थाने में स्मृति नगर थाने में आके वहाँ पे अपन ने रिपोर्ट कर अधिकारियों को बुला के, अपने अधिकारी हमारे शहर अभी क्या चाह रहे हैं सर? हम ये चाह रहे हैं कि उनके ऊपर बिल्कुल एक्शन होना चाहिए ताकि हमारे जो कर्मचारी आगे भी जाए तो वो भी सुरक्षित रहे,
नहीं तो अगर इस प्रकार की वारदात होती रहेगी तो हम सुरक्षित रहेंगे। हम लोग को क्या अभी बरसात का समय बाढ़ कहीं आएगी तो हम लोग को तो जाना है, पब्लिक को हम लोग को फेस करना है। अगर इस प्रकार की रहेगा तो हम कौन सा पाएगा। आलोक पसीने जो हमारे यहाँ सहायक अभियंता के पद पर कार्यरत हैं, उनके द्वारा मुझे भी एक पत्र दिया गया है, एक आवेदन दिया गया जिसमें उन्होंने अपने साथ हुई घटना के बारे में जिक्र किया है और उनके साथ ही कर्मचारी महासंघ के लोग, स्वायत्त शासी कर्मचारी महासंघ के लोग भी आए थे। पार्षद जो हमारा वार्ड नंबर एक का है योगेश साहू, उसके साथ कुछ घटना हुई है आज से 3 दिन पहले, इसके बारे में इन्होंने इस पत्र में लिखा भी है और कार्रवाई की मांग को लेकर आए थे। तो कार्रवाई करने का अधिकार तो हम लोगों का है नहीं, हम जैसा इनकी मंशा है इनके द्वारा जो दिया गया है मैं आयुक्त महोदय को ये पत्र भेजूंगा, क्योंकि कार्रवाई करने का अधिकार तो नगर निगम में आयुक्त को है। महापौर होने के नाते एक पार्षद द्वारा इस तरह की कृत्य को आप किस तरह से देख रहे हैं? देखिए मैं तो इसमें इतना ही बोलना चाहता हूँ कि नगर निगम की जो संरचना है वो नगर निगम क्षेत्र के विकास को लेकर की गई है शासन के द्वारा, और उसमें उस गाड़ी के दो, एक गाड़ी है जिसमें विकास को लेकर डेवलपमेंट को लेकर काम होता है, उसके दो पहिए हैं, एक तरफ अधिकारी कर्मचारी गण है और एक तरफ जनप्रतिनिधि जो पार्षद के रूप में हो चाहे महापौर के रूप में है, दोनों का बैलेंस जरूरी है। अगर दोनों के बीच में अगर कोई मतभेद है या कोई ऐसी बात आ रही है तो वो निश्चित रूप से उसका असर जरूर शहर को भी उसका नुकसान होता है, ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए, इसकी मैं निंदा भी करता हूँ। और ये क्या कारण थे ये भी आज मुझे दिया गया है पत्र, मैं पता करता हूँ। ये घटना अच्छी नहीं हुई है, इसमें मैं इसकी जानकारी लेकर फिर आगे आपको बताऊंगा। 15 जुलाई को हुई घटना काफी निंदनीय है, जिसके लिए महापौर नीरज पाल ने भी कहा है कि निगम के अधिकारी कर्मचारी और निगम क्षेत्र के जनप्रतिनिधि एक वाहन के दो पहिए होते हैं, जिसका आपस में परस्पर सहयोग बनाकर चलना अति आवश्यक है, परंतु पार्षद द्वारा किए गए इस कृत्य से निगम के कर्मचारियों में काफी आक्रोश देखने को मिल रहा है। देखना होगा कि इन कर्मचारियों का आक्रोश इस घटना को किस परिणाम तक पहुंचाता है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट।